हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है, हम आपको बताएंगे कि हम पंजाब से मुंबई गए समर वेकेशंस में और हमारा ट्रिप कैसा रहा। पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आपको इसमें बताऊंगी, लेकिन मैं इसको एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम गए थे अपने मायके, क्योंकि मुझे मायके से वहाँ ट्रेन लेनी थी। तो पहले हम सबसे पहले हम अपनी गाड़ी में मायके गए, उसके बाद हमने सुबह की हमारी ट्रेन थी। तो ये हमारा सुबह का टाइम है जब हम अपने लगेज के साथ रेडी थे। हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखो वो आपको हेलो हाय बोल रहे हैं। हम टू फैमिलीज थी और हमारे साथ थे हमारे बच्चे। सबसे पहले हम गए थे लुधियाना टू न्यू दिल्ली, और उसके बाद हमने न्यू दिल्ली से ट्रेन थी हमारी मुंबई तक की। तो हमारा कुछ स्टे भी था न्यू दिल्ली में, पूरा का पूरा डिटेल्स वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वो भी ट्रेन की वेट कर रहे थे। सुबह का जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता गया तो मौसम जो है वो ज़्यादा गर्म होता गया, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और हमारी जो ट्रेन का टाइम था वो सुबह 7 बजे का था, तो हम पहले ही पहुंच गए थे और हमें अपनी ट्रेन जो है वो टाइम पर मिल गई थी। तो यहाँ हम अभी ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन हमारी जो थी वो हमने सीसी की थी, जिसमें हमें वाटर फैसिलिटी थी और वाटर की बॉटल्स वो आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और साथ के साथ वो सुबह का आपको ब्रेकफास्ट भी देते हैं। और सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या रहता है मैं आपके आगे बताती रहूँगी। Where we are going? शाउट करो। मैं सुबह सुबह मैगी बनाकर लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथों की मैगी बहुत पसंद है। उन्होंने ट्रेन में बैठने के जस्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद बस टिफ़िन ओपन कर लिया कि अब वो मैगी खाएंगे, और उन्होंने इंजॉय किया मैगी को, साथ में बच्चों ने भी इंजॉय किया, सबको मैगी बहुत पसंद आई। गर्मियों में अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हो तो ये बेटर रहेगा कि आप एसी बॉगीज को ही प्रेफर करें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्लीपर ट्रेन्स लेते हैं तो वहाँ पर काफ़ी रश रहता है, और बच्चों के साथ आप वहाँ पर कभी भी कंफर्टेबल होकर नहीं जा सकते हो। हमारी ट्रेन में हमारी जो सीट्स थी वो सीसी सीट्स थी, जिनको आप चेयर कार सीट्स भी बोल देते हैं। हमें ब्रेकफास्ट मिलने से पहले एक टिकट मिली थी, और उसके साथ हमें मिला था एक बिस्किट का पैकेट। टिकट में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। टिकट में एक टी बैग होता है जिसे आप हॉट वाटर में डालकर टी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में आपको एक मिल्क का पाउच मिलता है, और आपको शुगर का एक पाउच मिलता है। अकॉर्डिंग टू द क्वान्टिटी आप उसको यूज़ कर सकते हो कि आपको कितना क्वांटिटी शुगर लेना है। अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप फीकी चाय पीते हो तो आप उसको नहीं यूज़ करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमारी प्यारी सी गुड़िया। फ्लाइंग किश कर दो, फ्लाइंग किश ऐसे पकड़ के हैं। अरे प्यारी प्यारी
प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी नोनी आप बिस्किट लो का मेरा बच्चा बिस्किट टेस्टी है अभी तो टेस्ट किया ही नहीं तो चाय का सामान जो था वो हमारे पास हमने ओपन कर लिया था और ये आप देख सकते हो कि इस तरह के पाउचेस जो हैं वो आपको मिलते हैं। एक मिल्क का पाउच मिलेगा, टी बैग मिलेगा, शुगर मिलेगा और एक कप आपको हॉट वाटर मिलता है। हॉट वाटर में मैंने टी बैग डाल दिया था सो दैट कि मैं चाय बना थोड़े टाइम बाद हमें ब्रेकफास्ट भी मिल गया था। ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिला था मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पर हमें मिला था ब्राउन ब्रेड, साथ में बटर और कुछ कटलेट्स थे, सॉस का एक पाउच था हमारे पास। और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन। हमें दिल्ली स्टेशन पहुंचने के लिए लगे थे 4 to 5 hours। अब यहाँ पर हमारा स्टे था कुछ टाइम के लिए, तो हम यहाँ पर हमारा जो स्टे था वो 5 to 6 hours का था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेन आनी थी और जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है वो थी हमारी तेजस एक्सप्रेस। हम 11:30-12 बजे अपने दिल्ली स्टेशन पहुँच चुके थे और काफ़ी टाइम था हमारे पास, और क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म था, जून का महीना है तो गर्मी तो होगी ऑब्वियसली, और हमें काफ़ी वेट भी करना है। क्या खाने लगे हो? चना भटूरा। तो हमारे हस्बैंड जी यहाँ पर लेकर आए थे चना भटूरा, और दिल्ली स्टेशन के चना भटूरा की इस तरह से पैकिंग होती है, काफ़ी टेस्टी था। दिल्ली स्टेशन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वहाँ पर आपको सफाई जो है वो साथ के साथ मिल जाती है, जो वर्कर्स हैं वो अपना काम प्रॉपर वे में कर रहे होते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बच्चों के साथ बैठना अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो हम सोच रहे थे कि हम वेटिंग रूम देखते हैं। जो लेडीज़ वेटिंग रूम था उस पर काम चल रहा था, उसके आगे जाकर भी एक वेटिंग रूम था जिसमें टिकट्स लेकर आप अंदर जा सकते हो। वो टिकट्स का ऐसे रहता है, लॉन्च था वहाँ पर जिसमें 10 rupees पर पर्सन पर आर के बेसिस पे आपको टिकट मिलता है। हमें क्योंकि वॉशरूम जाना था तो हमने 2 tickets लिए थे वहाँ पर, बट वहाँ के जो वॉशरूम थे वो इतने साफ नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि एक वेटिंग रूम में काम चल रहा था और दूसरा वेटिंग रूम जो है वो बिल्कुल पूरा भरा पड़ा था। बिल्कुल भी मुझे लगता है कि इतनी जगह में आप इतने सारे लोग अगर बैठे हैं तो इससे अच्छा है कि आप बाहर बैठ जाओ। हाँ, वहाँ पर जो फ़ैन है वो एक साइड पर लगे हुए हैं, इसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आया। जहाँ पर बैठने की सीट्स हैं उससे थोड़ा सा हटके हैं फ़ैन, तो हमने क्या किया न्यूज़पेपर नीचे बिछाए और हम नीचे बैठ गए फैंस के नीचे। चेयर्स जो लगी हुई हैं वो साइड पर है, वहाँ पर फ़ैन की हवा नहीं जाती है, तो हम यहाँ बच्चों के साथ बैठे थे फ़ैन के नीचे, हम सीट्स के ऊपर नहीं बैठे थे। 5 to 6 hours वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी दिल्ली से मुंबई जाने की। तो आप देख सकते हो हमारी ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस, और यहाँ पर हमने 3rd AC जो थी सीट्स बुक करवाई थी। आप देख सकते हो अंदर से जो ट्रेन हैं वो कैसी नज़र आती हैं, काफ़ी मतलब अच्छा रहता है अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो बेटर रहेगा कि आप AC ट्रेन ही बुक कीजिए। हमने अपनी ट्रेन में जो सामान था अपना लगेज वगैरह वो पहले एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि 4:30 बजे ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफॉर्म के ऊपर,
और एग्जैक्ट 5 बजे ये चल पड़ी थी। साइड वाली विंडो एक सीट हमें मिली थी और वो विंडो सीट से देखने का जो भी बाहर का सीन था बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। और उसके बाद शाम की जो चाय थी वो भी आ चुकी थी। चाय के बाद आपको रात का डिनर मिलता है। अब आप दोनों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हम आपको पकड़ नहीं पाएंगे। वहाँ किसके पास? वहाँ किसके पास? किसके पास? किसके पास जा रही है? यश छोड़िए मच्छी। तो अब आ चुका है रात का डिनर। रात के डिनर में क्या रहता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको मिलेगी चपाती, राइस, येलो दाल और साथ में आपको एक करी वाली सब्जी मिलती है। और आप देख सकते हो कि बच्चे बहुत ही शरारती हैं, यहाँ पर शरारतें कर रहे हैं, अपने आप पी स्टेयर्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जग्स लगते हैं तो बच्चे गिर सकते हैं। यहाँ पे किसी और नहीं पढ़ना। अगर आप जानना चाहते हो कि तेजस एक्सप्रेस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का जो भी इंटरनल का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। बाहर का मौसम रियली बहुत अच्छा था, शाम का टाइम था और रात का हमारा सफ़र था। यहाँ पर सुबह हमें 8 बजे पहुँच जाना था। ट्रैवल करने का सबसे ज़्यादा आपको मज़ा इस बात का आता है कि आप जब बाहर के सीन्स देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, वो काफ़ी अच्छी लगती है आपको। फाइनली सुबह के 8:30 बजे हम पहुंच चुके हैं मुंबई। तो ये मुंबई का हमारा फर्स्ट ट्रैवल है और यहाँ पर हम अब वेट कर रहे हैं कि हमें जल्दी से कोई ऑटो रिक्शा टैक्सी कुछ भी मिल जाए जिसमें हमारी पूरी की पूरी फैमिली एडजस्ट हो जाए और हम जा सके। और फिर हमने एक टैक्सी की और उस टैक्सी ने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस लिया हमें हमारे एरिया तक छोड़ने के लिए। जल्दी ही अब मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि हमने मुंबई में क्या किया।